नमस्कार मित्रों, आज हम लोग आपके साथ फिर से हाजिर हुए हैं एक ऑनलाइन क्लास को लेकर। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ जुड़ने वाले भी हैं। तो हम जो आज से जो एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं प्रिडिक्टिव नाडी एस्ट्रोलॉजी। किस प्रकार हम लोग जाने कि ये नारी एस्ट्रोलॉजी, नारी ज्योतिष क्या होता है। हमने बहुत सारे कोर्सेस किए, पराशरी का भी मैंने अध्ययन किया, जेमिनी का भी मैंने अध्ययन किया, मैंने विद्या भवन से इसके ज्योतिष के बारे में क्लासेस भी किए, सीखे भी, अच्छे अच्छे गुरु विद्वानों लोग से मैंने शिक्षा भी ग्रहण की। जो मेरा अनुभव है कि सारे चीज ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भविष्यवाणी करने में हमेशा असफल रहा हूं, या यूं कहें कि लगभग सोचिए कि 10% ही हम भविष्यवाणी कर पा रहे थे। तो ये जो मेरा जीवन, जो मेरा समय था, वो व्यर्थ जा रहा था। मैं बहुत लोगों की कुंडली को देखता था, उच्च नीच, आपको कहिए तो इस राशि में इस भाव में बैठे हुए तो अच्छे फल दे रहे हैं, ये हमने सीखा पराशरी ज्योतिष से। लेकिन जब भविष्यवाणी का समय आता था तो मैं हमेशा उसमें फेल हो जाता था। तो समझ में नहीं आ पाता था कि किस प्रकार भविष्यवाणी करें हम। तब मुझे हमारे जो गुरु हैं, माननीय उमंग तनेजा जी से मैंने शिक्षा ग्रहण किया। उसने मुझे बताया कि नारी ज्योतिष में जो फलादेश होता है, जो भविष्यवाणियां होती है, जो प्रिडिक्शंस होता है, 100% तो नहीं कहूंगा मैं, 80-90% एकदम सही बैठती है दोस्तों। तो क्या किया जाए, क्या इस पर विश्वास किया जाए? तो पिछले 8-9 सालों से मैं श्री उमंग तनेजा जी के साथ में जुड़ा हूं और नाड़ी ज्योतिष में हम गहन अध्ययन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी भविष्यवाणियां हैं वो बढ़ रही है, अच्छी हो रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें नाड़ी ज्योतिष के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के विषय को लेकर हम लोग आज हाजिर हुए आपके सामने। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं अविनाश कुमार, मैं जॉब भी करता हूं, साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूं और कुंडलियां भी देखता हूं, विश्लेषण भी करता हूं। और माता जी की कृपा है कि मैं भविष्यवाणियां करने में लगभग 70-80% मेरी भविष्यवाणियां सही होती है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ, मैं अपना 2 नंबर भी यहां पर शेयर किया हूं। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानियां यदि अपने जीवन में हो रही है, या आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके अगल बगल वाले, तो आप हमारे नंबर उससे शेयर करें। आप उनसे कह सकते कि आप इनसे कंसल्ट करें, मैं कोशिश करूंगा सही सही जवाब देने का। लेकिन दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सेवाएं हैं मैं फ्री में नहीं करता हूं, मेरे कुछ चार्ज लगते हैं दोस्तों। जो आप मेरे से कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष आखिर होता क्या है। तो ज्योतिष के विद्वान द्वारा किए जा रहे निरंतर शोध के कारण वर्षों से ज्योतिष में एक बड़ा बदलाव आया है। वैसे तो ज्योतिष के बहुत सारे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्कूलें हैं, संस्थान हैं, जहां पर भिन्न भिन्न सिद्धांतों, भिन्न भिन्न विचारों से, प्रकारों से ज्योतिष को पढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं दोस्तों
कि जो भी सारी सिद्धांत या विचार है कहीं ना कहीं मैच नहीं करती है, मिलती नहीं, विचार उनके मिलते नहीं है, जिसके कारण से जो हमारे पाठक हैं, हमारे छात्र हैं, उनके मन में हमेशा संदेह, भ्रम पैदा होता है कि हम जो इतने समय दे रहे हैं ज्योतिष सीखने के लिए, क्या ये सही हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सारे कुछ सीख रहते हैं, लेकिन भविष्यवाणी में कहीं ना कहीं वो लोग अटक जाते हैं। दोस्तों, मेरे अनुसार ज्योतिष एक विज्ञान रहा है, यह एक विज्ञान है और यह एक विज्ञान रहेगा। दोस्तों, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए और नवीनतम शोध इस बात की पुष्टि करता है यह एक शुद्ध विज्ञान है ज्योतिष। यह हमारे भारत वर्ष में ही इसका उद्गम हुआ है, हमारे भारत वर्ष में ही ज्योतिष का जो विषय है प्राप्त हुआ, हमारे महर्षियों, हमारे विद्वानों ने इसे पूरे संसार में फैलाया है। फिर भी आज के दौर में हम देखते हैं कि ज्योतिष, हमारी जो भारतीय ज्योतिष है, छिन्न होते जा रही, कम होते जा रही है। ज्योतिष की दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला है घटनाओं की भविष्यवाणी करना और दूसरा है उस घटित घटना के समय का निवारण करना कि किस समय यह घटना घटेगी। व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं जन्म कुंडली में ही समाहित होती है। दोस्तों, बस हमें एक पारसी नजर, एक वैज्ञानिक विचार होना चाहिए तो हम उसके जन्म कुंडली से, व्यक्ति की जन्म कुंडली से इसके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता कर सकते हैं। दोस्तों, सही भविष्यवाणी करने के लिए हमें सही समय, सही जन्म तारीख और सही जन्म का स्थान प्राप्त होना चाहिए। ज्योतिषों द्वारा भविष्यवाणी में अपनाई गई प्रणाली और कार्य प्रणाली के बारे में कोई विवाद पैदा करने या उसके प्रवेश का कोई इरादा नहीं है मेरा। दोस्तों, यह एक ज्ञात तथ्य है कि राशि चक्र में इसे विभिन्न राशियों और नक्षत्रों में विभाजित करने के लिए कोई वास्तविक विभाजन नहीं है। यह सौर मंडल के ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले मूल निवासियों पर ग्रहों और सितारों का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अपनाई गई एक प्रणाली और पद्धति है ज्योतिष। मैंने इस वीडियो में नारी ज्योतिष के सिद्धांतों का पालन किया है। दोस्तों, नारी ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार राशि चक्र को 27 नक्षत्रों में समान उपखंडों के साथ 12 समान उप विभाजनों में विभाजित किया गया है। इन नक्षत्रों को आगे और समान उप स्वामी में विभाजित किया गया, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार हम लोग इसका विभाजन करते हैं। हमारी जो प्रणाली है नारी ज्योतिष, सबसे ज्यादा महत्व उप स्वामी की होती है, उस पर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, वो ज्यादा मजबूती से अपने रिजल्टों को देता है। उसके बाद नक्षत्र का रोल आता है, उसके बाद ग्रह का रोल आता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग सबसे ज्यादा महत्व उप स्वामी को देते हैं, उसके बाद नक्षत्र को देते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रह को देते हैं। दोस्तों, अनुभव से पता चलता है कि राशि, नक्षत्र और उपस्वामी के माध्यम से ज्योतिष के अध्ययन की प्रणाली सबसे सटीक परिणाम देती है। इस प्रणाली में हम लग्न चार्ट और निरायन भाव चरित चार्ट को कास्ट करते हैं, जिससे जन्म की तारीख, समय और स्थान लेकर जातक की कुंडली बनाते हैं। दोस्तों, लग्न चार्ट के जन्म के समय राशि चक्र में ग्रहों के संयोजन को दर्शाते हैं, जबकि निरायन भाव चलित राशि चक्र के ग्रहों के संयोजन को दर्शाते हैं, जैसा कि उस अक्षांश और देशांतर से एक सही अयनांश के साथ देखा जाता है।
किसी घटना के होने या ना होने के लिए हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि घटना भावों के फलने फूलने संबंधित केवल एक ही भाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। किसी भी घटना की भविष्यवाणी करते समय हमें अन्य गुणों अन्य भावों के प्रभाव को भी अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा हम ग्रहों की युति और दृष्टि को नहीं भूल सकते हैं। अतः घटनाओं के समय के लिए इसे बिंबसोदरी दशा से कोरिलेटेड करना पड़ता है। किसी घटना का समय ज्योतिष का सार है और हम ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखते हुए उसे और अधिक सटीक बना सकते हैं। ज्योतिषों और पाठकों के लिए एक अंतिम शब्द में कहना चाहता हूं, कृपया जब भी आप किसी भी की कुंडली को आप देखते हैं विश्लेषण करते हैं तो हमेशा अपने कॉमन सेंस लागू करें और कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले कुंडली के समान मानक का न्याय अवश्य करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में वाहन का योग बन रहा है, वो औसत बन रहा है, उसे कभी भी चार पहिए वाहन के बारे में ना बोले, उसे बोले कि आप दो पहिए वाहन खरीदेंगे। एक वाहन दिखा रहा लेकिन औसत दिखा रहा है, इसमें समय स्थान और परिस्थिति के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले कुंडली का महत्वपूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। हालांकि सभी घटनाओं को कवर करना बहुत कठिन है, फिर भी मैंने अपने ज्ञान अपने अवलोकन और अनुभवों के आधार पर मानव जीवन के सभी पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया है। साथ में अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सभी दर्शकों पाठकों से किसी भी सुझाव सुधार के लिए मुझे लिखने की अपील करता हूं ताकि मैं इसे अपने अगली वीडियो में शामिल कर सकूं। दोस्तों अब चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब जो हम लोग पहला सब्जेक्ट जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रिडिक्टिव नागी एस्ट्रोलॉजी में वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेनेट हाउस एंड साइन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेनेट्स हाउसेस एंड साइन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आप लोगों के लिए इस वीडियो में उपयोग किए जाने वाले नारी ज्योतिष दृष्टि से ग्रहों राशि और भावों को विश्लेषण को संक्षिप्त रूप बताना आवश्यक है और हम आशा करते हैं या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि कुंडली क्या होती है, कुंडली में जो अंक लिखे होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, उसके स्वामी कौन होते हैं, ग्रहों के ऊंच और नीच क्या होते हैं, ग्रहों के एस्पेक्ट मतलब पहलू क्या होते हैं, फिर नेचुरल मैलेफिक नेचुरल बेनिफिक नेचुरल स्ट्रेंथ इत्यादि के बारे में आप लोग भले बहुत जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ एक संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि एक बार रिमाइंड हो सके। सबसे पहले हम लोग ग्रह के बारे में बात करेंगे। हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं दोस्तों कि हमारे ज्योतिष में सात मुख्य ग्रह और दो छाया ग्रह होते हैं जो इस प्रकार है दोस्तों, पहला सन हो गया, दूसरा मून हो गया दोस्तों, तीसरा मार्स हो गया, चौथा जुपिटर हो गया, पांचवा सैटर्न हो गया दोस्तों, छठा मरकरी हो गया दोस्तों एंड सातवा वीनस। ये हमारे मुख्य ग्रह होते हैं। दो छाया ग्रह कहते हैं राहु और केतु को। ठीक दोस्तों, तो इसको कुंडली में किस प्रकार देखा जाता है, तो हमारे ज्योतिष में हमारे प्राचीन ज्योतिष में
राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रहों को कोई न कोई राशि अलॉट की गई है, जिनमें से सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि, बाकी बचे पांच ग्रहों को दो दो राशियां दी गई है, जो इस प्रकार मैं यहां आपको बता देता हूं और आपको अच्छी तरह से मालूम भी होगा। सूर्य को हम लोग सिंह राशि किए हुए हैं, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 होता है दोस्तों। उसी प्रकार चंद्रमा को हम लोग कैंसर अर्थात कर्क, जिसका नंबर 4 होता है दोस्तों। उसी प्रकार मंगल, मंगल को हम लोग 2 राशियां दिए हैं, मेष और वृश्चिक अर्थात एरिस एंड स्कॉर्पियो। इसका जो नंबर होता है 1 होता है दोस्तों और 8 नंबर होता है। उसी प्रकार आप गुरु को ले लीजिए, गुरु को हम लोग धनु राशि दिए हुए हैं और मीन राशि, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। जिसका नंबर होता है दोस्तों 9 और 12। उसी प्रकार सैटर्न शनि को भी हम लोग 2 राशियां दिए हुए, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। स्पेलिंग मिस्टेक होगा दोस्तों उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। तो कैप्रिकॉन कौन सा आगे दोस्तों 10वां घर और एक्वेरियस 11वां घर। उसी प्रकार आपको मरकरी बुध को हम लोग 2 घर दिए हुए, मिथुन और कन्या अर्थात जेमिनी, जेमिनी एंड विर्गो। तीसरा घर और 6ठा घर। उसी प्रकार शुक्र को भी 2 घर दिए हुए हैं हम लोग, वृषभ और तुला अर्थात टॉरस। टॉरस एंड लिब्रा, इसका नंबर हो गया दोस्तों 2रा घर और 7वां घर। और राहु केतु के बारे में कहा जाता है कि ये जिस घर में बैठते हैं हमारे कुंडली में, उस घर के स्वामी का फल देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, यदि वो चौथे घर में, मान लीजिए चौथे घर में बैठते हैं इस घर में, तो ये चंद्रमा का फल देंगे। 10वें घर में बैठते हैं तो शनि का फल देंगे। आपकी जो कुंडली, जब भी आप सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली को डाउनलोड करेंगे या बनाएंगे, इसी प्रकार आप कुंडली में नंबर लिखा हुआ रहेगा। 1 नंबर अर्थात मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर लिखा रहेगा तो सोचिए आपको कर्क है, 5 नंबर भी लिखा रहेगा, कहीं भी लिखा रहेगा उनका कुंडली जो सिंह है, 6 नंबर लिखा हुआ रहेगा तो समझिए आपको कन्या हो गया, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। उसी को इंग्लिश में कहते हैं एरी, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये मेरे होंगे 9 ग्रह, उसके जो राशि हो गए। साइन हो गए और ये हाउसेस नंबर हो गए, जो आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम उसी में बात करते हैं उच्च और नीच के बारे में। हमने प्राचीन ज्योतिष से पढ़ा है कि ये ग्रह किस घर में उच्च के होते हैं, किस घर में नीच के होते हैं, ये भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको।
एक मिनट दोस्तों, एग्जॉल्टेड एंड डिविलेटेड समझ आएगी, ठीक है। तो सूर्य, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। उसी प्रकार मंगल दोस्तों, मंगल आपके कैप्रिकॉन मकर राशि में उच्च के होते हैं और आपको कैंसर में नीच के होते हैं कर्क राशि में। जुपिटर दोस्तों कैंसर में उच्च के होते हैं और कैप्रिकॉन में नीच के होते हैं दोस्तों। सैटर्न दोस्तों, सैटर्न आपको लिब्रा में उच्च के होते हैं और एरीज में नीच के होते हैं। मरकरी दोस्तों, मरकरी आपको वर्गो में उच्च के होते हैं और पाइसेस में नीच के होते हैं। और उसी का उल्टा आपको शुक्र दोस्तों, पाइसेस में उच्च के होते हैं और वर्गो में नीच के होते हैं। ये हमारे उच्च और नीच के बारे में आपको। लेकिन हमारे नाड़ी ज्योतिष में कोई भी उच्च या नीच के नहीं होते हैं। जब भी इनकी दशा आएगी, अंतर आएंगे तो अंतर आएगी, वो अपने फल देंगे। यदि वो अच्छे हैं तो अच्छे फल देंगे, यदि खराब है तो खराब फल देंगे। ये हमारे खाली पता होना चाहिए आपको। यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास यदि कुंडली लेके आता है तो वो पहले से ज्ञान प्राप्त करके आता है। वो पहले से नेट में, यूट्यूब में, गूगल में, किताबों में सर्च करके आता है कि फलना मेरा ग्रह उच्च का, फलना ग्रह मेरा नीच का, फलना ग्रह मेरा 6 या 12 में बैठा हुआ है, फलना ग्रह मेरा 10 में 11 में बैठा हुआ है, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, हम सब उसको सभी को देख रहे हैं। ये सारे चीज उसको मालूम होंगे। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए YouTube में, Google में अपने बीमारी के बारे में सर्च करके ये सारे चेकअप खुद करवा के यहाँ तक कि दवाई के नाम तक लेके आते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं कि सर देखिए हमें ये बीमारियाँ हैं, ये हमने चेकअप करवाया है, कृपया आप हमें दवा लिखें। तो डॉक्टर क्या बोलते, जब आप एक नई चीज करवा ली तब दवा भी आप देख लीजिए, दवा भी जाके केमिस्ट दुकान दवा ले लीजिए, फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं, मतलब आपको मिलेंगे। अधिकांश आदमी ऐसे ही मिलेंगे आपसे कि सर हमारा सूर्य 7वें घर में है तो ये चीज देता, अभी हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, बताए क्या। अरे सर सब मालूम ही है, तो आप वहां से ही उपाय ले लीजिए, वहां से अपने वही स्वागत कर लीजिए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए उच्च क्या होते हैं, नीच क्या होते हैं, कौन से घर के स्वामी होते हैं, क्या नंबर होता है। अब हम लोग एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, अर्थात पहलू के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी ग्रह कुंडली में यदि कहीं भी बैठे तो वहां से अपने 180 डिग्री जो भी घर आता है वहां उनकी नजर रहती है। सारे के सारे, मतलब कहा जाता है कि सारे के 9 ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो 7वें अपने से 7वें घर पर होती है। मान लीजिए यदि सूर्य यदि हमारा लग्न में बैठा हुआ तो वो अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा, 7वें घर में इसे देखेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर तीसरे घर में शनि बैठा हुआ, शनि अपनी 7वीं दृष्टि 9वें घर में डालेगा। कहने का मतलब है कि हमारे 9 के 9 ग्रहों के जो पहलू होते हैं, जो एस्पेक्ट होते हैं, वो 180 डिग्री पर होते हैं। ये हमारे प्राकृतिक ज्योतिष में बताया गया है, जैमिनी ज्योतिष में बताया गया है। साथ में कुछ ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो 180 के अलावा भी होती है, 7वें घर के अलावा भी होती है। जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं मंगल की दोस्तों, यही मैं एस्पेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। मंगल की, सूर्य की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है मंगल की। उसी प्रकार जुपिटर गुरु की
सातवीं के अलावा पांचवीं और नौवीं दृष्टि होती है। उसी प्रकार शनि का सातवें के अलावा तीसरी और दसवीं दृष्टि होती है उनकी। मरकरी की सातवीं दृष्टि होती है, इसके अलावा और कोई दृष्टि नहीं होती है। शुक्र की भी सातवीं दृष्टि होती है। उसी प्रकार राहु की सातवीं के अलावा पांचवीं और नौवीं दृष्टि, और केतु की भी सातवीं के अलावा पांचवीं और नौवीं दृष्टि होती है। ये सेक्ट हो गए, पहलू हो गए। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेलेफिक, इसीलिए मैं यही लिख देता हूं दोस्तों। नेचुरल मेलेफिक, ठीक। ओके दोस्तों, तो नेचुरल मेलेफिक कौन कौन से ग्रह नेचुरल मैलिफिक होते हैं। नेचुरल मैलिफिक मतलब प्राकृतिक हानिकारक ग्रह, पाप ग्रह। ऐसे हमारे प्राचीन ज्योतिष में राहु केतु शनि मंगल और सूर्य को नेचुरल मैलिफिक ग्रह कहा गया, लेकिन हमारे नाभि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा अलग है। हम खाली राहु केतु और शनि और मंगल को ही मानते हैं नेचुरल मैलिफिक ग्रह। रीजन या सूर्य को क्यों नहीं मानते सन को? तो हम लोग प्राचीन ज्योतिष में जानते हैं कि जो सूर्य होते हैं वो औषधि के कारक होते हैं, वो सरकार के कारक होते हैं, वो पिता के कारक होते हैं। तो किस प्रकार ये मैलेफिक हो गए दोस्तों? इसे हमें बेनिफिक ही मानना चाहिए सूर्य को। तो मैलेफिक प्लेनेट कौन कौन हो गए दोस्तों? सूर्य नॉट एप्लीकेबल, चंद्रमा नॉट एप्लीकेबल मैलेफिक प्लेनेट, मार्स है, जुपिटर नॉट एप्लीकेबल, सैटर्न यस, मर्करी नॉट एप्लीकेबल, वीनस नॉट एप्लीकेबल, राहु यस एंड केतु यस। मतलब नेचुरल मैलेफिक जो होते हैं वो सन नहीं होते हैं, मून नहीं होते हैं, आपको जुपिटर नहीं होते हैं, आपको मर्करी नहीं है, वीनस नहीं है। रिमेनिंग चार प्लेनेट हमारे नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है। उसी प्रकार दोस्तों नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट, तो कौन कौन से हो गए? सन यस नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट, मून यस नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट, मार्स नो एप्लीकेबल, जुपिटर यस, सैटर्न नो, मर्करी यस, वीनस यस, राहु एंड केतु नो। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है हमारे प्राचीन ज्योतिष में कि वो घटते और बढ़ते क्रम में मिलेफिक जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ऐसा नहीं है। चंद्रमा सदैव घटते बढ़ते शुभ होता है, इसलिए अमावस्या के दौरान भी इसे हम लोग लाभकारी मानना चाहिए। उसी प्रकार हमारे बुध मरकरी को भी कहा जाता है दोस्तों कि यदि वो स्वतंत्र किसी घर में है तो वो शुभ है, यदि किसी पाप ग्रह के साथ स्थित है तो वो अशुभ है। जबकि हम ऐसा नहीं मानना चाहिए। बुध के लिए भी सूर्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेपरेटिव प्लेनेट। सेपरेटिव प्लेनेट क्या होते हैं दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? सेपरेटिव प्लेनेट मतलब पृथक करना, जो वो ग्रह जो हमें अपने परिवार से अलग करता है, हमारे व्यापार से, हमारे रोजगार से अलग करता है, हमारे देश से अलग करता है, हमारे समाज से अलग करता है। तो ऐसा कौन कौन से ग्रह हैं जो सेपरेटिव प्लेनेट के कैटेगरी में आते हैं? तो उसमें हम कहेंगे राहु केतु शनि, साथ में
सूर्य या सूर्य भी आते हैं, सेपरेटिव प्लेनेट कहलाते हैं, सन सैटर्न राहु एंड केतु दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला नेचुरल स्ट्रेंथ। नेचुरल स्ट्रेंथ तो नेचुरल स्ट्रेंथ तो हमारे ज्योतिष में राकेश अर्थात राहु केतु शनि साथ में मंगल सबसे मजबूत ग्रह कहलाए गए। जब भी ये दिव्य अर्थात दशा भुक्ति अंतरा में आते हैं तो ये अपना फल बहुत मजबूती से देते हैं। उसके बाद सूर्य चंद्रमा गुरु शुक्र और बुध का ग्रह, साथ में दोस्तों यूरोनस नेपच्यून प्लूटो भी बहुत ही मजबूत ग्रह कहलाते हैं। ऐसे तो ये दशा में इनका कोई रोल नहीं होता है, हमारे जीवन के घटना में भी इनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जब भी आते हैं तो हमें महसूस होता है इनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, क्योंकि ये भी तो हमारे सौर मंडल के एक ग्रह ही हैं। किसी न किसी प्रकार हमारे व्यवहार में ये अपना आधिपत्य दिखाते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फ्रेंडशिप और इम्यूनिटी। फ्रेंडशिप एंड इम्यूनिटी अर्थात दोस्त मित्रता और शत्रुता। हमारे प्राचीन ज्योतिष में तो बताया गया है कि ये ग्रह इसके दोस्त हैं, इसके दुश्मन है, या इसको सम मानते हैं। फलना ग्रह इसको दुश्मन मानता है, फलना ग्रह इसको दोस्त मानता है, लेकिन हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नाड़ी ज्योतिष में हम लोग इसको नहीं मानते हैं। इसका एक रीजन भी है कि हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि दशा यदि किसी भी ग्रह की दशा आएगी तो वो अपना फल देंगे ही देंगे, चाहे उसके शनि देख रहा हो, राहु देख रहा हो, मंगल देख रहा हो, सूर्य देख रहा हो, उससे क्या मतलब उसको है, वो तो अपना काम करेंगे। इसलिए हमारे नारी ज्योतिष में सब एक दूसरे के मित्र हैं, सब एक दूसरे के शत्रु भी हैं। यदि वो अच्छे घर को रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे फल देंगे, खराब घर को रिप्रेजेंट करते हैं तो खराब का फल देंगे, मिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो मिक्स जैसा फल देंगे आपको। ये हो गया दोस्तों फ्रेंडशिप और इम्यूनिटी। अब दोस्तों भारत में अधिकांशतः ज्योतिष यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन है कि हमारे ज्योतिष के प्राचीन विद्वानों ने इस पर कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। यह एक सर्वविदित तत्व है। हाल ही में इन तीनों ग्रहों की खोज हुई है, हमें लगता है 50-60 साल पूर्व में खोज की गई है, लेकिन चूंकि वे सभी स्वर्णीय बिंदु पिंड हैं और ये भी हमारे सौर मंडल के भीतर ये पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर रहे होंगे, इसलिए मुझे इन ग्रहों में कुछ सच बोलने की आवश्यकता लगता है आप लोगों को। वे सभी दिव्य में भाग नहीं लेते, इसलिए वे बड़े पैमाने पर घटना के घटित होने और समय को प्रभावित नहीं करते हैं। उनकी उपस्थिति गोचर में और मूल निवासी के व्यवहार में महसूस की जा सकती है। यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो पारस्परिक ग्रह हैं, जो कि पश्चिमी ज्योतिष में इनका बहुत प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार यदि यह ग्रह सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र और मंगल पर दृष्टि डालते हैं तो वैसा व्यक्ति गतिशील और विद्वान होता है। कुछ यूरेनस के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग हो सके तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यूरेनस एक
व्यक्ति के जीवन में क्रांतियों, विद्रोहियों, अराजकता, दंगे यानी अचानक वार और घटनाओं का प्रतीक है। हमारे भारतीय ज्योतिष में इसे मकर राशि पर शासन दिखाया गया है तथा मकर राशि के स्वामी के रूप में बताया गया है। इसलिए यूरेनस में शनि का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वो शनि की तरह ही अपने रिजल्ट देते हैं यूरेनस। जबकि पश्चिमी ज्योतिष पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार यूरेनस कुंभ राशि के स्वामी कहलाए गए हैं और हमारे अनुसार वो मकर राशि के स्वामी कहलाए गए। चूंकि यूरेनस क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए ये स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अर्थात यदि कहने का मतलब कि यूरेनस किसी के जीवन में यदि अपना प्रभाव कर रहा है तो आपको दिखने को दिख जाएगा, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता, उसे स्वतंत्र जीवन जीना पसंद है, वो किसी मतलब क्या कहें कि किसी के अधीन नहीं रहना चाहता है, वो उसे आजादी पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है, गुलामी में नहीं रहना चाहता है। दोस्तों यदि यूरेनस का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है या इस प्रकार के लक्षण हमें दिख रहे हैं, वो आदमी बेचैन हो रहा है, छपटा रहा है, मतलब वो छुपना चाहता, निकलना चाहता है इस बंधन से, तो यूरेनस का प्रभाव पड़ रहा है उस पर। ऐसे व्यक्ति अंतर्ज्ञान, रचनात्मक, स्वतंत्र विचारों और नैतिक गुणों को भी नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। इट इज साइकिक इन बिहेवियर, अर्थात कहने का मतलब यह व्यवहार में मानसिकता प्रदान करता है। जब व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा करता है, इट सिग्निफिकेंस चीट्स, डिसीवर्स, जालसाजी, अपहरण आदि का प्रतीक है। भारतीय पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार यह मीन राशि का स्वामी कहलाता है। यह बलिदान, प्रेम, प्रेम में बलिदान और दूसरों के साथ जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों नेपच्यून यह भ्रम और स्थिति के शिकार लोगों को भी नियंत्रित करता है। हालांकि दूसरे पर हावी होना और कमजोर करना वो हमारे हाथ में है, साथ में यह तंबाकू, टबैको, गुटखा, पान मसाला, पान, खैनी, सिगरेट, दारू, शराब की लत भी पैदा करता है और इस कारण प्यार में गलतफहमी हो जाती है। यह अध्यात्मवाद और रहस्यवाद को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में। दोस्तों प्लूटो मंगल का ही एक सदस्य है लेकिन यह मजबूत गतिविधि का प्रतीक है, समूह प्रतिनिधि, मतलब वो समूह को रिप्रेजेंट करता है, क्राउड को, भीड़ को रिप्रेजेंट करता है। साथ में ये डकैत, नरसंहार, गैंगस्टर, सामूहिक त्रासदी, लूटपाट आदि का भी प्रतीक है। सुमानी में हजारों को हजारों लोग मर जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट करता है, एरोप्लेन एक्सीडेंट करता है, इसमें जो बल्क में जो आदमी की मृत्यु होती है, भालकोनो आ गया, चक्रपात आ गया, ये सब प्लूटो के ही कारण होते हैं। दोस्तों भारतीय पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि पर शासन करता है प्लूटो, मतलब स्कॉर्पियो, चाहे वो मंगल का एक सदस्य है। साथ में ये मृत्यु का भी प्रतीक, जैसे परिवर्तन, बदलाव। कहने का मतलब ये है कि मान लिया किसी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो वो अलग हो जाता आपसे, तो ये प्लूटो के कारण ही होता है। दोस्तों कई बार जिसे हम बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो हमारी जिंदगी से अलग हो जाते हैं, अलग होने का कारण मृत्यु भी हो सकता है। कभी कभी वो हमारे पास भी वापस आ जाते हैं परंतु वो रिश्ते फिर से नहीं बन पाते, सारे के सारे प्लूटो के कारण ही होते हैं। प्लूटो हमें खुद को संशोधित करने का अवसर भी देता है, कई बार यह हमें भय का अनुभव भी प्रदान करता है। दोस्तों और अंत में मैं यह उत्तरदायित्व को पूर्ण मुक्ति, अर्थात सारे उत्तरदायित्व से हमें मुक्त करता है। दोस्तों इसी प्रकार हमने आज आपको प्लूटो के बारे में बताया, नेपच्यून के बारे में बताया, हमने आपको यूरेनस के बारे में बताया।
इसे भी हमें देखना चाहिए किसी कुंडली में, ये किसको देख रहा है, किस घर में विराजमान है, कुछ न कुछ अपना प्रभाव जरूर डालेगा दोस्तों। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स, हाउस एंड साइंस के बारे में जाना। इसी प्रकार धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हम समझेंगे, ये हम बेसिक जानकारी दिए थे आज, ये तो आपको मालूम होगा, ये हम जानते थे, फिर भी एक रिवाइंड करना चाहते थे। तो कल से जो वीडियो चालू होगी, कल जो क्लासेस चालू होगी, वो प्योर प्रिडिक्टिव नाडी एस्ट्रोलॉजी में होगी। धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि आखिर नाभि ज्योतिष क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके रूल्स क्या है, ये किस प्रकार काम करते हैं हमारे कुंडली में, हमारे जो जीवन में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, मेजर 7-8 घटना ही होती होती। यदि बच्चे हैं तो एजुकेशन और हेल्थ देखते हैं हम लोग हैं, यदि युवा हैं तो एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोफेशंस और मैरिज देखते हैं। उसके बाद हम लोग लिटिगेशन देखते हैं, यदि उससे भी ज्यादा 35-45 से लेकर 50-60 साल के बीच के कोई व्यक्ति हैं तो उनका हेल्थ हम लोग देखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, मैरिज लाइफ कैसी होगी, लिटिगेशन होगा कि नहीं होगा। और 60 से ऊपर हम लोग अध्यात्म की तरफ देखते हैं, लॉन्गेविटी देखते हैं। यही मुख्य 6-7-8 जो हमारे इवेंट हैं, घटनाएं हैं, वही देखा जाता है कुंडली में। और ज्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं इन्हीं सारे चीज के बारे में पूछने आते हैं। यदि बच्चे हैं तो भाई स्वास्थ्य खराब चल रहा है, कब ठीक होगा, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, कब ठीक होगा। 18-20 साल है तो भाई नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, इत्यादि सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे सीखना हम लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।